आज हम आलू की बिल्कुल ही अलग तरह की रेसिपी लेकर आए हैं। ये इतने टेस्टी और चटपटे बनते हैं ना, जो भी खाएगा ना वाह वाह कह उठेगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिए आलू, हमने आधा किलो आलू लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने ज्यादा ना तो छोटे आलू लिए हैं और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं लिए हैं, नॉर्मल साइज के आलू लिए हैं। इनको ना कुकर की एक विसल में उबाल के तैयार किया है, ज़्यादा उबाला नहीं है, ओवर कुक नहीं किया है। अब ठंडा करके इसको हमने छील लिया है। सबसे पहले मैंने एक टूथपिक लिया है, इससे ना हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस ढंग से थोड़े से छेक कर लेते हैं। देखिए, आप चाहे तो फॉक से भी कर सकते हैं, ऐसे ही हमने सारे आलुओं में कर लेने हैं। देखिए, सभी आलुओं पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने एक एक छेक कर दिया है टूथपिक से। देखिए, एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने रख दिया था। देखिए, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले ये आलू को इसमें हमने डाल देना है और तेज गैस पर अच्छा सा कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे, जो आलू हैं हमारे गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। ये हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे करने में हमारे 7 मिनट लग गए हैं, लेकिन मैंने तेज गैस पे किया है। ऑयल झाड़कर एक छन्नी में निकाल लिया है, अभी इसको साइड पे रख देते हैं। देखिए, हमने ली थी 4 सूखी लाल मिर्ची और ये कम तीखी वाली ली थी, और मैंने थोड़ा सा लिया था काजू का टुकड़ा। देखिए, मेरे पास टुकड़ा था, मैंने टुकड़ा भिगो दिया। अब साबुत काजू है ना, तो आप 10-12 भिगो देना। इसको मैंने साफ पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, बहुत अच्छे से फूल गई हैं। और एक बात और, मैंने तो कम तीखी वाली लाल मिर्ची ली है, आप चाहें तो तीखी वाली का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पानी समेत ही मिक्सी के जार में इसको डाल देना है और इसको पीस कर तैयार करना है। ये देखिए, इसको तो हमने पीस कर तैयार कर लिया, अभी इसको साइड में रख देते हैं। देखिए, हमने लिया आधा कप दही, और ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, ये कम खट्टा दही है, और इसको हमने फेंट लिया है। अब इसमें हमने डालने हैं कुछ मसाले। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्ची। इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसको गरम कर लेना है। देखिए, जैसे ही गरम हो जाएगा कुछ खड़े मसाले डालेंगे। जैसे मैंने 2 इलायची छोटी वाली डाल दी है इसमें, 2 लौंग डाली है और 1 टुकड़ा डाला है दालचीनी का। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, अच्छे से फूलने दें। देखिए, 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने मिक्सी में पीस के लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। जो प्याज को हमें भून लेना है, जो प्याज है हमारी गोल्डन हो जाए। देखिए, प्याज हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें 1 टमाटर डाल रही हूँ जिसको मैंने मिक्सी में पीस के लिया है। देखिए, मैंने 1 टमाटर डाल रही हूँ ना, तो मैंने आधा कप ही दही का यूज किया है। आप चाहे टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप दही की क्वांटिटी को बढ़ा देना। इसके साथ ही मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और ये कम तीखी वाली है, मैंने उसका ही यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर कर हमने पका लेना है, जो टमाटर भी पक जाए और ये मसाले भी पक जाए। देखिए, ये टमाटर और मसाले हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम दही वाले भी डाल देते हैं। इसमें भी मसाले हैं, इनको भी साथ में ही पकाना है। पानी डाला है, इसमें मसाले लगे हुए थे, अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी पका लेंगे। तो हमने इसमें नमक नहीं डाला है, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और इसके साथ ही जो हमने मिक्सी में पीसा है काजू और मिर्ची वो भी डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ।
बेसन मिक्स करें और थोड़ा सा पका लें। हम आलू भी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए आधा ग्लास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और ग्रेवी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मिक्स कर दें। देखिए गैस को बिल्कुल स्लो कर कर इसे 5-7 मिनट तक पकने देंगे। वैसे तो हमारे आलू उबले हुए हैं लेकिन उनमें भी ना ये ग्रेवी अच्छे से समा जाए, मसाले अच्छे से समा जाए, तब तक हम ढक देते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। गैस को कर देते हैं बंद, ये बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं पतला और लंबा कटा हुआ अदरक, ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ हम डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, लच्छा परौंठा के साथ खा सकते हैं, या सिंपल चपाती के साथ, या चावल के साथ, ये सभी के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसे खास मोको बबड़ी बना सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।